बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्राफलो स्पॉटिफाई में। आज आप लोगों के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रेम है, फ्रेम वॉल डेकोरेशन जैसे होते हैं उस तरह का फ्रेम है। ये बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ, आइडियाज़ लेकर आई हूँ आप लोगों को। आप लोगों को इससे आइडिया मिल सकता है कि आप लोग अपने घर को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं और किस तरह का फ्रेम आप लोग लेना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग लाजमी नहीं है कि अपने घर में ही, हम लोग किसी की शादी ब्याह गिफ्ट में भी दे सकते हैं और कहते हैं बर्थडे वगैरह में भी गिफ्ट के तौर पे इसको दिया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और ये भी बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं अगली दफ़ा आप लोगों के लिए उस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये हर तरह के आइडिया आपको दिया हुआ है। आप लोग को इसको इजीली आइडिया मिल सकता है कि आप लोगों को अपने घर में किस तरह के फ्रेम वगैरह लगाने हैं और किस तरह से अपने घर डेकोरेट करना है। ये आप लोगों को बाजार से किसी भी डेकोरेशन की शॉप से इजीली मिल जाएगा, बल्कि हम लोग घर में भी खुद बना सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास कोई पुराना फ्रेम वगैरह हो तो उसको अपनी तरह अपने आइडिया से, अपने माइंड से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपने मुताबिक भी उनको बना सकते हैं। अक्सर लोगों को बहुत शौक होता है कि अपने घर को हम लोग डेकोरेट रखें, तो आप लोगों के लिए मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।